की किताबों को कीमत से अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत पर जांच करने गए नायब तहसीलदार के साथ चिल्ड्रन बुक हाउस के मालिक और रिश्तेदारों ने मारपीट कर दी। विवाद की सूचना पर पहुंचे ओमती पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रशासन ने दुकान को सील करते हुए ओमती थाने में FIR दर्ज कराई है। शहर में स्कूल खुलने के बाद कापी किताबों और ड्रेस बेचने वालों दुकान संचालकों की लूट से अभिभावक खासा परेशान है। किताबों के MRP से ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं और ऐसी ही शिकायतें नौदरा ब्रिज स्थित चिल्ड्रन बुक हाउस को लेकर लगातार सामने आ रही थी, जिस पर कलेक्टर के आदेश पर नायब तहसीलदार रामजी सुरेश सोनी, नाब तोल इंस्पेक्टर RK ढोके, प्राचार्य शासकीय स्कूल रामपुर संकुल और पटवारी कमल धुर्वे के साथ दुकान में जांच करने पहुंचे थे, जहां जांच टीम ने एक ग्राहक से ये बुक खरीदवाई थी। वहीं कीमतें अधिक होने पर जैसे ही टीम की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने लगी तो दुकान संचालक अखिलेश वर्मा और उसके साथी भड़क गए। दुकान सील करने की कार्रवाई को रोकते हुए टीम के साथ झूमा झटकी की और मारपीट करने लगे। दुकान पर अखिलेश वर्मा के परिजन धनीश वर्मा, सूर्य प्रकाश वर्मा, शशांक श्रीवास्तव, हर्ष के साथ ही अन्य लोग भी पहुंच गए। वहीं विवाद की सूचना मिलते ही ओमती TI SPS बघेल दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर विवाद कर रहे धनीश वर्मा, हर्षित और शशांक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीनों सहित चिल्ड्रन बुक हाउस दुकान मालिक अखिलेश वर्मा, सूर्य प्रकाश वर्मा और अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, बलवा करने, मारपीट आदि धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। चिल्ड्रन बुक डिपो में कुछ शिकायतें थी जिस पर कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय श्री सुरेश सोनी द्वारा कार्रवाई कर इसको सील किया गया है। तो उसके संबंध में दुकान संचालक द्वारा कुछ विरोध किया जा रहा था, जिससे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग आए वहाँ यहाँ पर और इनको जो है यहाँ से हटाया गया है। किस तरीके से गिरफ्तारी? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी जब पहुँचेंगे वहाँ पर शिकायत लेके अगर FIR कराएंगे तो FIR दर्ज होगी, उसके बाद फिर गिरफ्तारी।